विदेश के मुंडे फस जाते हैं जोड़े जाते हैं रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, विदेश के जाके फस जाते हैं। जे खबर जो नशर होंदियां ना तो राजनीतिक लीडर जोड़े ने उन्हें घर तक पुजते हैं तो उन्होंने सार लैण के लिए तो उसके नाल ही ट्वीट होंगे ने, ट्वीट किए जाते हैं चुने हुए MLA वालों भी कि जोड़े 12 जोड़े नौजवान फसे हुए हैं, 11 जोड़े पंजाब ने, एक बिहार का है, जोड़े फसे हुए उन्होंने छड़ाने के ट्वीट की जाती है। कल खबर नशर होंगे ने, उसके बाद राजनीतिक लीडर जोड़े ने इन्हों को आना शुरू कर हो जाते हैं, उस तो पहला सारी ली जाती किमें देखते हो श्री आनंदपुर साहब के 5 जोड़े मुंडे ने फसे हुए हैं विदेश में जाके। मैं समझा कि साडे इलाके की बड़ी मंदभागी घटना है कि परिवार के वो बच्चे विदेशों के जोड़े रोजी रोटी कमाने वास्ते गए सी एजेंट की धोखाधड़ी करके उत्थे फसे बैठे ने। कल जो मीडिया वालों ये सारी खबर चलाई गई तो साडे भी ध्यान में आया, परिवार मैंबर अपने हिसाब के नाल लगे हुए सी, कितने ना कितने भी डर सी कि जोड़े बच्चे साडे बाहर आ जे असी रौला पाया उन्होंने कोई जानी नुकसान ना हो। कल मीडिया के राही सारे पंजाब दे विच खबर चली आ और मेरे तो बिल्कुल लंग मजारी गवांढ विच आ, मैं सरपंच साहब नाल राती गल की तो सरपंच साहब ने दसाया कि आ सारा सिस्टम इदा होया और बच्चे साडे उत्थे फसे पए ने। अज मैं परिवार के आन के बैठा है, सारा इन्ना को सुनया है और मेरी हाईकमांड नाल भी गल इस विषय पर हुई आ और असी दिलासा ये दे रहे इन्हों के केंद्र दे विच लीडरशिप है श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जिहड़े विदेश मंत्री ने साडे, उन्हां दे भी संपर्क च असीं लिया के जिहड़े बच्चे साडे लीबिया च फसे ने उत्थे जिहड़े साडे राजदूत ने उन्हां नाल गलबात करके उत्थों उन्हां नूं कढ़न दी कोशिश करांगे। इहदे नाल नाल जिहड़े एजेंट ने धोखा कीता है, अज मानजोग SSP साहब नाल भी हुणे मेरी गल होई आ, उन्हां दे खिलाफ असीं परचा दर्ज करवा के 420 दा उन्हां नूं भी अंदर कराने की कोशिश करांगे कि तां कि बाकी बच्चों के नाल इस तरह की धोखाधड़ी हो ना सके। तुसीं BJP नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, पंजाब नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, की लगता जी कल आपां जदों खबरां नशर कीतियां खबरां चलियां तो वड्डे इल्जाम इन्हां वल्लों लगाए गए कि जिहड़ा हल्के का MLA कितना ना कितने गैर हाजर मौजूद पाया गया, इन्हां दी सार तक लैण लई नहीं आया कि तुसीं अज पहुंचो BJP दे वल्लों ते तुसीं कह रहे हो कि आपां चलो गल करांगे सेंटर दे नाल भी गल करांगे, पर मौजूदा MLA दी कारगुजारी नूं किस तरह देख रहे हो? देखो इस तरह है कि हलका विधायक क्यों नहीं आए तो उ दस सकते हैं, मैं तो इस बारे को नहीं दस सकता, पर मैं समझा कि यह जिहड़ा परिवार को दुख आया है बच्चे उधर फसे ने, राजनीति तो उपर उठ के पहल के आधार पर इन्हों बच्चों अपने घर वापस लिया मेरा भी फर्ज है तो हरजोत बैंस जी का भी फर्ज है। मैं मीडिया के माध्यम के राही मंत्री ने कैबिनेट मंत्री ने पंजाब बैठे उन्होंने भी बेनती करता कि राजनीति तो उपर उठ के इन्हों बच्चों की सार ली जाए, जो पंजाब सरकार कर सकती है वो अपने तौर पर वो करे हीला वसीला करे, जो केंद्र सरकार कर सकती है बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और अपनी हाईकमान नाल गल करके असं वो कर रहे हैं। मैं समझा कि दोनों सरकार जेकर जोर लाउणगियां तो वह बच्चों को सही सलामत ही वापस लियाउण च सफल हो जाएंगे। प्रभाव साहब जो जो राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां आउंदियां ने सत्ता दे विच आउंदियां ने, गल लंबी नहीं करांगे छोटी गल दे विच मकावांगे, जो सत्ता दे विच आउंदे ने वड्डे वादे किए जाते हैं कि पंजाब दे विच रुजगार भी मुहैया करावांगे, पंजाब की जवानी जिहड़ी पंजाब दे विच रहेगी, तो हुण जो पंजाब के नौजवान एक रोजी रोटी तलाश दे विच बाहर जाते हैं वो बाहर फस जाते हैं, चाहिए तो यह थी कि वो उस वक्त जो पता लगता है कि साढ़े हल्के के जो नौजवान फसे हुए हैं, हालांकि इतने दिनेश चड्ढा की आप गल करेंगे उन्होंने बड़ा वधिया रोल निभाया, पर जिहड़े ने हल्किया के जिहड़े इंचार्ज ने जां हल्के के जिहड़े MLA ने उन्होंने नाल इन्हां दा रोस है, की लगता इहदा रोस जायज़ है जां नाजायज़ है इन्हां दा? देखो जदों असीं अपने हल्के का कोई नुमाइंदा चुनते हैं तो सानूं बड़ी आस हुंदी है कि वो नुमाइंदा साढ़े दुख विच साढ़े सुख विच शामिल होएगा, पर कई बार जो इस तरह की निराशा सामने आती है तो वर्कर के बहुत निराशा आती है। मैं अज फिर तुहानूं बेनती करदा कि अज का जिहड़ा समां है किसी नूं राजनीतिक विरोधी ठहराउंदा यह वो समां नहीं है, मेरा तो एक मकसद है कि किसी तरीके दे नाल चाहे वह हरजोत बैंस जी दे कोई उपराला हो जाए, भगवंत मान जी का कोई उपराला हो जाए, साडे भैण मीनाक्षी लेखी जी का उपराला हो जाए, अश्विनी शर्मा जी का, लालपुरा साहब जी का, कोई भी उपराला करके सब तो पहला ही बच्चों अपने घर वापस लैके आए और राजनीति तो उपर उठ गए क्योंकि साढ़े तो परिवार का मसला है, साढ़े घर का मसला है, साढ़े अपने बच्चे ने, इस करके मैं समझता कि अज का जोड़ा दिन है वो राजनीति करन दा नहीं है। मैं अपने लीडर ने भी यही बेनती करांगा कि राजनीति पद्धर तो उपर उठ के पहला इन्हों परिवारों को सुनिया जाए, इन्हों जे दुख ने वो बच्चों वापस लिया जाए भारत के, और ये गल मैं बिल्कुल सहमत हाँ कि जोड़े रुजगार के
मौके पंजाब च मिलने चाहिए सी वो नहीं मिले, जिस करके साडा नौजवान नशियां दी दलदल विच तस्या जा रहा, गैंगस्टर जिहड़ा वो वाधा हो रहा, और कितने ना कितने पंजाब छड्ड के बाहर जाके लेबर करनी, उहदे पिछे भी यही कारण है कि साडे रुजगार के मौके बहुत घट आ। जांदे जांदे फिर दस दिओ वी तुसीं की उपराला कर रहे हो इहनां वास्ते। अज मेरी एस एस पी साहब नाल भी गल हुई है इस विषय से, एक तो असं उन्होंने बेनती की है कि जोड़ा एजेंट है वो खिलाफ 420 परचा दर्ज किया जाए, उस तो बाद सुभाष शर्मा जी की साढ़े पंजाब वालों ड्यूटी लगी है कि वह मीनाक्षी लेखी जी नाल संपर्क करके हो सकता एक अद्धे दिन के विदेश मंत्रालय में सारे जाके उत्थे गुहार लावांगे और भैन मीनाक्षी लेखी जी नूं मिल के वो अपने प्रोसैस जो अंबैसी का होंगे वो राही अभी पूरी कोशिश है कि बच्चों जोड़ा ठीक ठाक अपने परिवार के लिया जाए। तो ये सन सा जतेंद्र सिंह अडवाल, एक बार ये तस्वीर दिखा दौ जे जिन्हें बच्चे उत्थे मौजूद ने जोड़े उत्थे फसे हुए हैं विदेशों के, जतेंद्र सिंह अडवाल जो बीजेपी के जोड़े कार्यकर्ता है रिप्रजेंट कर रहे हैं श्री आनंदपुर साहब तो बीजेपी अज पहुंचे ने इन दुख वंडाने लिए, तो कितना कितने उन्होंने जो कि उपराला जोड़ा किया जा रहा है सेंटर के वालों बीजेपी सरकार के वालों उपराला किया जा रहा है कि जल्द तो जल्द वो जिगर के टुकड़े इन मावं के जिगर के टुकड़े इन्हों बुकलों के कितना कितने जल्दी तो जल्दी आने अपने सहयोगी अमन जनाब गांसे मटोर श्री आनंदपुर साहब।